Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying admission of a partner and the concept is treatment of accumulated profits and reserves. Question hai, XYZ tino old partner hai and they are sharing profits in the ratio of 5:3:2. They admit W as a partner for 1/6 share. Following is the extract of the balance sheet on the date of admission. इनका balance sheet दे रखा है, ये A part है. Balance sheet में liability side में accumulated profits and reserves है, और asset side में accumulated loss या advertisement suspense account, इसको बोलते हैं deferred advertisement expenses account है. इसके लिए journal entry देना है. जब admission होता है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, तो प्रॉफिट को डेबिट करने में वो कैंसिल हो जाता है. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 36,000 फर्स्ट वन टू एक्स वाई जेड, तीनों में 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. नरेशन लिखो, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो. देन सेकेंड है उसी का कॉन्टीजेंसी रिजर्व 6,000, ये सेम एंट्री पास होगा टू में. कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल बीइंग कॉन्टीजेंसी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो. ये भी ओल्ड रेशियो में आया, ये भी ओल्ड रेशियो में. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2. बीइंग क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. फोर्थ होगा आपके एसेट साइड, उल्टा हो जाएगा इसका. एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इंडिविजुअली टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको बोलते हैं डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. तो 24,000 को ओल्ड रेशियो, ये सारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड और इसको बोलते हैं रिटेन ऑफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड रेशियो ऑल. देन कम्स बी पार्ट. बी पार्ट में दे रखा है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट. द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई. फर्म का दो पार्टनर है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व जिसके अगेंस्ट में क्लेम नहीं है, और एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेशियो नहीं दे रखा है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल. बींग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एज देर इज नो क्लेम. ये बी पार्ट है. सी पार्ट में गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द एडमिशन ऑफ जेड इफ देर इज ए क्लेम ऑफ 48,000 अगेंस्ट इट. द फार्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई. ये सेम एंट्री है, बट इसमें 48,000 क्लेम है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी या क्लेम अकाउंट 48,000. इससे 48,000 लेस करके जब बचेगा टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो आज देयर इज क्लेम ऑफ 48,000 का क्लेम है. सी पार्ट. डी पार्ट, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ऑफ रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000 एग्जिस्ट एट 1,20,000. फार्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई. फार्म का दो पार्टनर एक्स एंड वाई है. मार्केट वैल्यू 1,10,000, बुक वैल्यू है 1,20,000. 10,000 डिक्रीज हो रहा है. टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000
24,000 से 10,000 रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा 14,000, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट इक्वली बांट देंगे 14,000 को। नरेशन होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो आज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई 10,000, वो 10,000 हम उसको माइनस करके फंड से बाकी ट्रांसफर कर दिया। द लास्ट पार्ट, ये द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ 4,800। 4,800 जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका 20% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करो टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बाकी इसका 20% ये है, बाकी जो बचेगा उसको एक्स वाई में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा है तो इट इज ऑलवेज इक्वल। पूरा पार्टनरशिप में किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं दे रखा है पार्टनर्स के तो हमेशा इक्वल होगा। नरेशन लिखो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो आफ्टर डिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरल को यूजुअली टोटल करते हैं, अगर आप कर पाओगे तो इट इज बेटर। और ये सारे रिलेटेड एंट्रीज नहीं है, एक ही क्वेश्चन का नहीं है, किसी में एक्स वाई जेड है डब्ल्यू एडमिशन हो रहा है, किसी में एक्स वाई ओल्ड पार्टनर है जेड आ रहा है, तो इसको यूजुअली टोटल नहीं करते। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।